तो दोस्तों Xiaomi जितनी जल्दी जल्दी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है उतनी जल्दी तो भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ की मूवीज भी रिलीज नहीं होती है। तो दोस्तों फाइनली Xiaomi की तरफ से आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है MI A3 जो कि 17 जुलाई को स्पेन में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं Xiaomi के A3 की जिसकी अब कंफर्म लीक्स निकल कर सामने आ गई है और इसका फुल स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में कि आपको एक डब्बा और बॉक्स और एक स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है जिसमें कि लिखा हुआ है स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस बार आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है 6 इंच का एक सुपर एमोलेड का स्क्रीन जो कि आने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाला 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है बहुत ही फास्ट। और दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश जैसा कि आपको Xiaomi के अपकमिंग स्मार्टफोन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का Sony के IMX586 का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। अगर बात करें दोस्तों वहीं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की दोस्तों इस स्मार्टफोन में इस बार आपको देखने को मिलने वाला है Qualcomm के Snapdragon के 665 का चिपसेट जो कि एकदम लेटेस्ट चिपसेट है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि Redmi के K20 का चिपसेट पावरफुल है जिसमें आपको Snapdragon के 730 का चिपसेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस होने वाली है उससे थोड़ी सी कम हो रहने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट जो कि आगे चलकर आपको देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड क्यू का भी अपडेट। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में जैसा कि आपको पता है कि आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट तो इस बार भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एक एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की। तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4030mAh की बैटरी जो कि 10 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी और आपको 10 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट होने वाली है यानी 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज उसकी आपको प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है 14,000 से 15,000 रुपीज के बीच में। और उसकी जो हायर वर्जन होगी यानी 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी 17,000 से 18,000 रुपए के करीबन। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए सच में एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस स्मार्टफोन को रिलीज किया जाएगा 17 जुलाई को स्पेन में। तो दोस्तों उसके 1 से 1.5 महीने के बाद यानी अगस्त से सितंबर के महीने में इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा साथ ही साथ ग्लोबल इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग रखी जाएगी। तो दोस्तों यही थी इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।